हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डबल कटोरी की कटिंग देखेंगे। जैसे हमारी कटोरी की कटिंग रहती है, सेम वैसे ही हमारी कटोरी रहती है, सिर्फ हमें बीच में से इसे कट करना है। तो ये कैसे कट करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका राउंड कितना आता है। तो ये जो हमारा कटोरी का जो राउंड है, हम पहले से इस तरह से नापेंगे इसका। हम इस तरह नाप के देखेंगे तो ये 9 इंच आता है। तो इसका हम 3 हिस्से करेंगे। तो 3 हिस्से में हम इसको यहाँ पे निशान लगाएंगे। 3 3 इंच पे हमारा ये 3 हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे इसे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ हमारा 3 इंच पे निशान आया। अभी कटोरी का सेंटर निकालेंगे हम। जैसे हमारी बेस कटोरी रहती है, तो जो भी हम डबल कटोरी कटिंग करेंगे, तो पहले हम इसका राउंड नापेंगे। राउंड नापने के बाद जितना आएगा उसका हम 3 हिस्सा करेंगे। 3 हिस्से में से हम यहाँ से 1 हिस्सा लेंगे। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे यहाँ से। तो ये 6 इंच की कटोरी है, तो इसका सेंटर लेंगे 3 इंच। तो यहाँ से हम डेढ़ इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ। तो इसे सीधी लाइन देंगे। अब इस साइड से हम 2 इंच लेंगे, तीनें मिलाएंगे हम इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें इसे मिला है। अब इसे कट कर लेंगे हम। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया। अब इसे हम कैसे बढ़ा के लेंगे तो वो देखेंगे हम। तो ये जब भी हमें फैब्रिक पे इसे कट करना है तो इस तरह से रखेंगे हम इसे पहले। ये देखिए हम इस तरह से रखेंगे और इसे एक साइड से पिन कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे फैब्रिक पे इस तरह से रखना है। सेंटर में साइड्स भी और इस साइड भी इसे फैब्रिक थोड़ा रहना चाहिए। और यहाँ पे हम इसे पिन लगा लेंगे। और ये दूसरा वाला पीस भी हम इस तरह से रखेंगे कि इसके सेंटर में हमें कि दोनों के बीच में मार्जिन जितना हमें अंतर रखना है, तो क्वार्टर क्वार्टर इंच इसमें मार्जिन आना चाहिए। इस तरह से हम इसे रखेंगे और इसे भी हम पिन लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसे पिन अप कर लिया और इसके सेंटर में हमने 1 इंच का गैप रखा ताकि हम इसके सेंटर से इस तरह से मार्जिन के लिए निशान लगाए। तो दोनों साइड से बराबर इक्वली है हम निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसके साइड से 1 इंच भी यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस साइड से भी हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ भी हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारी कटोरी हम बढ़ा के लेते हैं वैसे हम इसे बढ़ा के लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और इस साइड से भी हम मार्जिन के लिए 1/2 इंच लेंगे और इस साइड से भी 1/2 इंच लेंगे। अब हमें इसे मिलाना है यहाँ से। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा दिया ये। अभी यहाँ से यहाँ तक हमें मिलाना है। तो हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये बड़ा के लिया है। ये डबल कटोरी के लिए हम इस तरह से इसका ये देखिए इस तरह से।
तो यहाँ से हमने 1 इंच लिया, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1.5 इंच इन्हें मिलाया हमने, और यहाँ से 1/2 इंच लेके इन्हें भी मिलाया, और यहाँ से 1/2 इंच लेके इस तरह से हमने मिलाए। दोनों के बीच में हमने इक्वली यहाँ पे डिस्टेंस रख के इसे एक लाइन दी इस तरह से। अब इसे हम कट करेंगे, तो कट करेंगे तो पहले इससे हम इसे निकाल लेंगे। इसे हमने हटा दिया, पहले हम इसमें इस तरह से हम जितना हम टक्स के लिए पॉइंट लगाते हैं तो उतना लेंगे हम, 3 इंच। इसे कट कर लेंगे हम। अब इसे भी हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने डबल कटोरी कटिंग इस तरह से की, इसे हम जब भी ज्वाइंट करेंगे तो इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, इसे इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे, और इस साइड से हम टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस साइड से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरह से मिलाएंगे इसे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसे टक्स की सिलाई लगाएंगे सेंटर से। इस तरह से सिलाई लगाएंगे टक्स की, और इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डबल कटोरी की कटिंग की, और कैसे ज्वाइन करना ये भी बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।